पावर की को हम फ्रेंड प्रेस करते हैं और देखते हैं कि हमारा इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो चलिए हम पावर की को प्रेस करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जैसे हमने पावर की को प्रेस किया, मैंने कोई भी की नहीं दबाया हुआ है, आप देख सकते हैं मैंने कोई भी की प्रेस नहीं किया हुआ है। अभी फ़ोन हमारा देखते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो ये देखिए फ्रेंड, जैसे हमने कुछ भी प्रेस नहीं किया हुआ था तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा रिकवरी मोड पे जा रहा है। चलिए फ्रेंड, इसका सलूशन जानने के लिए हम इसे सबसे पहले आपको करना क्या है, मैं इसका सलूशन बता देता हूँ। पहला आपको सलूशन बता देता हूँ, फिर इसके लास्ट में आपको मैं बताऊँगा कि एक दो सलूशंस और क्या हो सकते हैं, क्योंकि इसमें रिकवरी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कोई एक प्रॉब्लम नहीं हो सकता है फ्रेंड। तो सबसे पहले हम इसे फ्लैश करेंगे, अगर फ्लैश से नहीं होता है तो इसके और भी हम आपको सलूशंस बताने वाले हैं, पर वो सलूशन आपको हम लास्ट में बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड, कोई फ्रेंड्स यहाँ पे आपको सेकंड सोल्यूशन क्या करना है, सबसे पहले इसको जो वैल्यूम अप डाउन के स्टिप है वो आपको हटा के देखना है कि ये हमारा इससे कहीं हमारे ये जो स्टिक है, ये जो हमारी की है वो शॉर्ट ना हो गई हो। तो फ्रेंड्स तो ये हमारा प्रोसेस जो वैल्यूम था वो नहीं सॉल्व हुआ। फिर मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स इसके बाद आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले इसकी रीप्रोग्रामिंग करनी है, MMC को निकाल के इसको रीप्रोग्रामिंग करना है। अगर आज उससे एक वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। आज हम बात करेंगे रेडमी Y2 या S2 की MMC चेंज, Y2 या S2, या दोनों सिम काम करेगा जैसे दो सिम काम करे, इस तरीके से हम वीडियो बनाएंगे। एकदम सिंपल वे से हम का बता रहे हैं कि क्या क्या स्टेप है। यहाँ पे आपको 8 स्टेप करना है कि पहले पहला नंबर ऑप्शन जो लिखा है, फर्स्ट टेक ए कंफर्टेबल MMC विथ RPM भी क्लीन वाला आईसी लेना है आपको। यहाँ पे जो लेना है कंफर्टेबल आईसी, कंफर्टेबल आईसी आप फोन माइक्रो DB से भी ले सकते हैं या कोई सा भी आईसी ले सकते हैं जिसमें 1.8 EXT 60 वर्सन। जैसे मैं यहाँ पे फोन माइक्रो DB ओपन किया हूँ और Xiaomi और Redmi में आने के बाद यहाँ पे ये सारे आईसी शो हो रहा है, तो इससे मैंने एक आईसी लिया हूँ जो आईसी कंफर्टेबल हो, साथ में RPM भी क्लीन हो, ऐसा आईसी लिया हूँ। और उसके बाद मुझे करना क्या है, जैसे मैं दिखा दूं आपको, मैं यहाँ पे UEFI में आ जाता हूँ और UEFI में आने के बाद एक आईसी कनेक्ट किया हूँ। एक आईसी जो है, ये आईसी आपकी सैमसंग ब्रांड की आईसी है और ये 16 GB की आईसी है। आप देख सकते हैं इसमें RPM भी क्लीन है, मतलब आपको एक ऐसा आईसी लेना है जिसमें RPM भी क्लीन हो और EXT 60 वर्जन 1.8 हो, ये इतना ही होने से आपका काम हो जाएगा। उसके बाद आपको करना है जो सेकेंड ऑप्शन जो लिखा है, राइट EXT CST क्वालकम, राइट EXT CST क्वालकम, तो यहाँ पे आना है। और आने के बाद आईसी को तो आप स्क्रैप बोर्ड से, जाहिर सी बात है, स्क्रैप बोर्ड से लेना है। और लेने के बाद आपको टेस्ट वगैरह कर लेना है, आईसी ओके रहा तो RPM में क्लीन कर देना है। RPM में क्लीन करने के बाद कि राइट EXT CST क्वालकम, तो EXT CST में आना है यहाँ पे, और यहाँ पे क्वालकम सिलेक्ट कर देना है तो ताकि आपकी जो आउटपुट कन्फिगरेशन है वो जनरेट हो जाए। तो यहाँ पे बूट कॉन्फ़िगरेशन जैसे ही जनरेट हो जाएगा, अब देखते हैं बूट कॉन्फ़िगरेशन जनरेट हुआ है कि नहीं हुआ है। देख सकते हैं बूट कॉन्फ़िगरेशन जनरेट हो गया है, 0x38 आ गया है। अब 3 नंबर ऑप्शन में आते हैं। 3 नंबर ऑप्शन में क्या है, फिक्स आईसी बोर्ड, फिक्स्ड बोर्ड मतलब आईसी को बोर्ड में लगा देना है। चलो चलिए देखते हैं, अब आईसी को बोर्ड में लगा देते हैं। यही खाली आईसी को आपको लगाना है, ओनली फॉर EXT CST राइट करना है और बोर्ड में फिक्स कर देना है। चलिए फिक्स करते हैं बोर्ड में। तो यहाँ पे 4 नंबर के ऑप्शन में आते हैं। 4 नंबर के ऑप्शन में इंजीनियरिंग फाइल को राइट करते हैं। चलिए मैं UEFI एंड्रॉयड टूल खोल लेते हैं, ये रहा UEFI एंड्रॉयड टूल। और एंड्रॉयड टूल खोलने के बाद तो खोल लेते हैं UEFI एंड्रॉयड टूल। आप यहाँ से कोई सा भी टूल यूज कर सकते हैं, चाहे UMT यूज कर लीजिए, चाहे कोई सा भी टूल यूज कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने जो है ना ये इंजीनियरिंग फाइल यहाँ पे रखा हूँ।
तो गूगल में आसानी से मिल जाता है इसका इंजीनियरिंग फाइल, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये रहा इंजीनियरिंग फाइल। इंजीनियरिंग फाइल रॉ प्रोग्राम 0 डाल देते हैं और पैच 0 डाल देते हैं। डालने के बाद ध्यान दीजिए कि हर एक फाइल में टिक रहा है, और सिंपली देख सकते हैं यहाँ पे पोर्ट भी आ गया मेरा, और सिंपली इसको फ्लैश कर देना है और यस कर देना है। यहाँ पे हमारा क्वालकम की डायग्नोस्टिक पोर्ट बन चुका है, और क्वालकम की डायग्नोस्टिक पोर्ट बनने के बाद यहाँ पे भी हमारा क्वालकम की डायग्नोस्टिक पोर्ट आ चुका है। तो हमें सिंपली यहाँ पे आईएमई डालना है और यहाँ पे ईएनजी क्यूसीएन डालना है, और आपको जो करना है राइट क्यूसीएन करना है। आपको राइट ये वाला राइट नहीं करना है, राइट क्यूसीएन करना है। तो जैसे ही राइट क्यूसीएन करेंगे तो आपकी जो क्यूसीएन है ये इंजीनियरिंग क्यूसीएन ऑटोमेटिक राइट हो जाएगा, और ये राइट होने में थोड़ा टाइम लेता है दोस्तों। ठीक है, कंप्यूटर स्क्रीन पर आने के बाद हम नोटपैड में आते हैं कि नोटपैड में नेक्स्ट क्या लिखा है। कि 7 नंबर के ऑप्शन लिखा है कि जो बोर्ड आईडी के रजिस्टर होता है उसको ओपन करना, रिमूव करना होता है। ये बोर्ड आईडी के रजिस्टर होता है। ये रजिस्टर अगर नहीं रिमूव करेंगे आप, तो आपके मोबाइल फोन में एनवी डाटा करप्टेड लिख के आएगा। यहाँ पे 2 रजिस्टर हटाना पड़ेगा आपको, और ये रजिस्टर के फोटो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है फोटो, ये फोटो है। तो ये दोनों रजिस्टर को आपको हटाना है जो सीपीयू के बगल में है, एक ये वाला रजिस्टर एक ये वाला रजिस्टर, ये दोनों हटाना है। और ये दोनों रजिस्टर मैं ऑलरेडी हटा चुका हूँ। फिर उसके बाद क्या करना है, राइट करना है ग्लोबल फाइल से, और ध्यान दीजिए ग्लोबल फाइल मॉडिफाई फाइल होना चाहिए, और लेटेस्ट वाला फाइल से फ्लैश करना है। तो चलिए यहाँ पे फ्लैश कर देते हैं ईओएफआई एंड्रॉइड टूल से। तो ये रहा ईओएफआई एंड्रॉइड टूल। एंड्रॉइड टूल में आने के बाद फ्लैशिंग में आऊंगा। आने के बाद मैं यहाँ पे जो मॉडिफाई फाइल रखा हूँ ये मॉडिफाई फाइल को मैं डाल दूंगा। तो ये रहा मेरा फाइल। और दोस्तों ये फाइल अगर नहीं चाहिए आपको तो नीचे कमेंट करें, अपना व्हाट्सएप नंबर छोड़ दीजिए, तो मिल जाएगा आपको ये फाइल। अदरवाइज हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं उन लोगों को तो ऑलरेडी मिल चुका है फाइल। और यहाँ पे फिर से एडीएल मोड में मोबाइल फोन को कनेक्ट करवाते हैं। यहाँ पे 9008 पोर्ट में कनेक्ट कर लिया हूँ, एडीएल मोड में मैं कनेक्ट कर लिया हूँ टेस्ट पॉइंट को शॉर्ट करके। तो ये डिवाइस मैनेजर में मैं दिखा देता हूँ आपको, ये है। और यहाँ पे मैंने जो है क्वालकम की जो मॉडिफाई फाइल है Y2 का, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया है, और सिंपली आपको फ्लैश करना है। और फ्लैश करने के बाद जैसे फ्लैशिंग रनिंग हो जाता है, मैं एक बार बोल देता हूँ कि क्या क्या करना है। तो सबसे पहले आपको जो करना है कंफर्टेबल इमेंसी लेना है। कंफर्टेबल इमेंसी लेने के बाद EXE/ST राइट करना है क्वालकम का, उसके बाद फिक्स करना है आईसी को बोर्ड में, उसके बाद ये इंजीनियरिंग फाइल को राइट करना है एनी टूल से, डायग्नोस्टिक बोर्ड ओपन करना है, और इंजीनियरिंग क्वेश्चन और आईएमई राइट करना है, रिमूव करना है दोनों रजिस्टर को, और ग्लोबल मॉडिफाई फाइल से फ्लैश करना है। इतना ही काम है दोस्तों। तो फ्लैश होने देते हैं इसको। तो हमारी फ्लैशिंग कंप्लीट हो चुका है, अब हमारा मोबाइल फ़ोन जो है चालू होगा। अब देखते हैं ये मोबाइल चालू होता है कि नहीं होता है, या एनबी डाटा करप्टेड आता है।